नमस्कार, गेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टेरोमिस्टिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस प्रोग्राम से आप हमेशा जुड़े रहते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, यूं ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा। और टेरोमिस्टिक्स की बात करते हैं तो अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी मुश्किलें हमारी लाइफ में आती हैं, आपकी भी लाइफ में आती होंगी, हमारी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि मुश्किलों से जल्दी बाहर निकले। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुश्किलें आना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमें परेशानियों का एहसास होगा तभी तो हमें पता चलेगा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर सोचेंगे कि सब अच्छा है तो फिर परेशानियों का पता कैसे चलेगा। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि हमने अपने स्टूडियोज़ में एक ऐसी हस्ती को दावत दी है जो आपकी परेशानियों को एक मिनट में छूमंतर करने वाली है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। टैरो कार्ड हीलर है हमारे बीच गीतिका मैम, बहुत अच्छी राय देती हैं, आप उनसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज़ में। नमस्ते, थैंक यू। अभी हम देखेंगे इस हफ्ते है जो 17 अप्रैल एंड 23 अप्रैल तक इस हफ्ते का देखेंगे। फिर से हम शुरू करेंगे केप्रिकॉन, दैट इज़ मकर राशि। केप्रिकॉन्स के लिए वेरी वेरी गुड टाइम जो मुझे दिख रहा है कि सक्सेस एट वर्क, सक्सेस इंटरनेशनल नेम एंड फेम है, पर आप थोड़ा सा स्टॉप पे आ गए हैं कि इसके बाद मैं क्या होगा। कभी जब हमें ना इतनी सक्सेस मिल जाती है तो हमें लगता है कि इसके बाद मेरे पास टैलेंट ही नहीं है, कि बस इतना ही मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर इसके आगे भी है, क्योंकि वी आर मूविंग बींग्स, हम लोग ग्रोइंग, हम ग्रो करते हैं, हम कभी एक जगह रुक नहीं सकते हैं, वी ऑलवेज ग्रोइंग। जैसे अर्थ मूव करता है वैसे हम भी मूव करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको स्टैग्नेंसी दिखती है आप बस बोलते जाइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और देखोगे कि रास्ते आपके आगे कितनी अच्छी तरह चले हैं। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज़ कुंभ राशि। कुंभ राशि पीपल आई हैव एवरीथिंग विद देम, मतलब कि अच्छी फैमिली है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है, सक्सेस एट वर्क, स्कूल और फैमिली लाइफ, सब कुछ है। पर आपको दिख रहा है कि आपको अपने नज़रिया को थोड़ा बदलना है। इफ़ यू चेंज, लाइक यू नो, किसी को रॉन्ग से राइट देखोगे, बैड से गुड देखोगे, और वेट करो कि मैंने ये सोचा है, आप देखते कि अगर मैंने किसी को रॉन्ग से राइट किया है, बैड से गुड किया है, तो देखते कितना टाइम, थोड़ा एक हफ्ता दो हफ्ता दीजिए, आप देखोगे कि सिचुएशंस खुद पे खुद चेंज होती है, एंड एक्सेप्ट द चेंज, और आपकी इंट्यूशन इससे हाइटेंड होगी। अगर कोई काम आप एक पर्टिकुलर वे में करते हो, आपको लगता है उसके रिजल्ट नहीं मिलते, तो काम करने के तरीके को बदलिए और देखिएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। यू मे हियर सम गॉसिप अबाउट यू इन एट योर वर्क प्लेस, या कोई आपसे कोई सीक्रेट छुपा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप बस बोलिए डिवाइन ऑर्डर समहाउ, और आपको सारी बातें भी समझ आ जाएंगी। आपको अपने माइंड गेम्स नहीं खेलने पड़ेंगे, जैसे ही वो बात है वो सामने सामने आएगी। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज़ मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मे बी देर इज़ अ पीरियड कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट करना पड़े, चाहे फीवर हो या बिकॉज ऑफ अ लेग हर्ट। उस टाइम पे आप अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। एंड आपको एक मौका भी मिलेगा टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप विद समवन, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, और वो बहुत अच्छी तरह सक्सेस में वर्क करेगा। इनफैक्ट आपको पैसे भी हाथ में आ सकते हैं, या आपको जो एक कोई डिवाइन विश है वो भी आपकी पूरी हो सकती है। कुड बी अ प्रॉपर्टी, कुड बी ड्रीम जॉब, कुड बी एनीथिंग। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अब हम देखेंगे एरियंस, दैट इज मेष राशि। एरियंस के लिए अगेन आप यू मे गेट टुगेदर विद सम ओल्ड फ्रेंड या सम ओल्ड पार्टनर। कई बार ऐसे होता है कि यू नो, इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर अ सेकेंड मैरिज, एंड कभी वो अपने कोई यू नो ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स से ज्वाइन अप कर लेते हैं, या दे मीट सम ओल्ड एलुमनाई, ईदर प्रोफेशनली और पर्सनली, आपकी एक पार्टनरशिप हो सकती है जो बहुत सक्सेसफुल होगी। आपको अपने में ना एक वो प्रॉब्लम है कि यू मे वॉन्ट टू, या तो आप किसी से बुली हो जाते हो, या यू लाइक टू कंट्रोल पीपल। अगर एक कंट्रोल वर्ड को आप अपने लाइफ से निकाल दो, बिकॉज वी कैन ओनली कंट्रोल आवरसेल्व्स एंड व्हाट वी आर थिंकिंग। अगर आप वो कंट्रोल वर्ड को अपने हाथ से, अपने दिमाग से निकाल दो, तो आप देखोगे कि आप बहुत रिलैक्स्ड हो। इनफैक्ट यू विल फील लाइक अ फ्री पर्सन, जो बैक पैकिंग करके लोग जो घूमते हैं ना, दे फील वेरी फ्री, दे फील वेरी रेजुनेटेड, दे फील वेरी लाइट। आपको बहुत लाइट फीलिंग आएगी। इफ़ यू हैव ट्रैवल प्लान्स, यू मस्ट गो फॉर ट्रैवल प्लान्स, बिकॉज वो आपके माइंड को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा ओपन करेंगे, और आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे और ऑब्वियसली प्रोस्पेरिटी पे जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि।
टॉरियंस के लिए यू आर गिविंग वेरी गुड एडवाइस टू पीपल, पर उसी एडवाइस को आपको भी लेना है. यू मे फील अ लिटिल एनर्जी ड्रेन बिकॉज आप अपने लोगों को जब हम हीलिंग करते हैं, एडवाइस देते, यू मोस्ट ऑफ यू मे इवन बी सम टैरो कार्ड रीडर्स योर सेल्फ या एस्ट्रोलॉजर्स. तो हम कैसे अपने आप की एनर्जीज को रिप्लेश करते हैं? अगर आप सुबह एंड शाम को रॉक सॉल्ट पानी में, मतलब कि रॉक सॉल्ट अपने पानी में डाल के नहाएंगे, तो आपको एक एनर्जी क्लेंजिंग दिखेगी. एंड किसी की प्रॉब्लम्स के साथ अटैच नहीं होना, सॉल्यूशंस देके हट जाना होता है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. अगर आप अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को थोड़ा फॉलो करोगे इन अ वेरी साइंटिफिक वे, सेंसिबल वे, विदाउट एनी वैम, ये सोच के कि इससे भगवान, मैं भगवान के राह में चल रहा हूँ, भगवान कभी हमसे खुश या दुखी ऐसे नहीं होते हैं. अगर आप भगवान के राह पे चलते हो विथ सम कस्टमरी मूव्स, इट इज़ वेरी फाइन, गॉड इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी विथ यू. आप में शायद थोड़ी इरिटेबिलिटी होगी क्योंकि आइडियाज़ बहुत है पर वो मटेरियलाइज नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ बीच में आए जा रहा है. अगर आपको अड़चने आती है तो जस्ट हैव टू से द मैजिक वर्ड, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ आगे कितनी अच्छी तरह जाती है. अब हम देखते हैं जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि. जेमिनाइज के लिए अ वेरी गुड टाइम, जो आपने अच्छे काम किए हैं, अपने अच्छे कर्म किए हैं, जितनी मेहनत की है, चाहे उसके पहले रिजल्ट नहीं मिले, अब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी द पेस मेकर, बैलेंस कर रहे हो आप दो लोगों के बीच में, सुलह करवा रहे हो दोनों को, उनकी अच्छाइयाँ दिखा रहे हो, और आपको दिख रहा है कि आगे बहुत हार्डवर्क करना है. आप जो जिस गोल पे आप चाहते हो अभी उसमें और आपको चलना है, और आप डेफिनेटली सक्सेसफुली चलोगे, और आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी रास्ते में ही मिलते रहेंगे. सो अगेन अ वेरी गुड वीक फॉर यू. अब हम देखते हैं कैंसेरियंस, दैट इज कर्क राशि. कर्क राशि वालों के लिए आपके कॉन्फिडेंस, आपकी मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने अपने आप में लाई है बिकॉज ऑफ हेल्प फ्रॉम योर सीनियर गाइडेंसेस, मेंटर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक इतने टफ टाइम से आप गुजरे हो और आपने सक्सेस पा लिया है. इनफैक्ट अगेन आप भी ऐसे पोजीशन में आ सकते हो कि इतना सक्सेस मिला कि आप अपने फैमिली और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हो, और आपकी इंडस्ट्री में चाहे अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, पर गुड न्यूज़, मे बी प्रमोशन लेटर, मे बी अपॉर्चुनिटी, सम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी. सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट टू. अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि. लियोस के लिए वेरी गुड टाइम अगर आप शादी करना चाहते हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, या कोई नया जॉब या नई डाइट या लाइफस्टाइल चूज़ करेंगे. आपने जो भी चूज़ किया होगा वो बहुत परफेक्ट एंड नाइस है. अगर आप कोई फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो, तो आपका नाम बहुत आगे बढ़ेगा. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपके चांसेस बहुत ब्राइट है. यू मे ऑल्सो गो फॉर सम वर्क फॉर सम इंटरनेशनल फेयर्स या एग्जीबिशंस या ऑर्गेनाइजेशन. अगेन आप में सडनली आपको ये भी लगेगा कि कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, पर सडनली एक कोई अच्छी खबर आई है, मे बी वाया ईमेल, व्हाट्सएप और यू नो एनी न्यूज़, और वो आपके तरफ है, आपकी प्रोस्पेरिटी की तरफ है. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू. अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि. वर्गोज के लिए आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, ठीक है, किसी ने आपको एडवाइस दिया था, आप चेंजेस लाए हैं, पर उस चेंजेस लाने की वजह से कहीं ना कहीं आप ज़िद्दी हो जाते हो कि नहीं, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा. यू शुड ऑलवेज बाउ डाउन टू द एडवाइस गिवन टू यू बाई एनी बडी. एडवाइस ले लो, चुनना तो आपके ऊपर है, पर नेवर अपफ्रंटली डिफेंड द एडवाइस. एडवाइस लो से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस, मैं ज़रूर इसके ऊपर अमल करूँगा, सोच करूँगा, और फिर आप अपने में देखो कि वो एडवाइस आपको सूट करता है या नहीं. पर अगर हम डिफेंस मोड पे जाते हैं ना, देन वी टेंड टू गेट इनटू, हम अपने एनर्जीज को फिर से डिप्लीट करते हैं, ना हमें कुछ मिलता है ना कुछ खोता है, बट बस एनर्जी वेस्ट हो जाती है. एंड एनर्जी इज समथिंग टू बी रिजर्व्ड. अगर आप कोई काम एक नई, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह करते हो, विद लॉट ऑफ एंथ्यूजियाज्म, एनर्जी, सक्सेस, एंड स्पेशली इफ यू डू एनी वर्क रिलेटेड टू वाटर और नियर वाटर, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए. सो ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट. अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि. तुला राशि वालों के लिए आपने बहुत अच्छी सक्सेस है, पर आपको लग रहा है कि वो सक्सेस कितने दूर तक रहेगी. मे बी यू फील एंशियस ऑल्सो कि आगे क्या होगा. ये टाइम है जहाँ पे आपके लाइफ में सोल की क्लेंजिंग होगी कि जहाँ जहाँ आपने कुछ ओपिनियंस, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट का भंडारा बनाया है, वो सारे क्रैश हो गए, और आप देखोगे कि आप उसी नए रेजुनेटेड एनर्जी के साथ कहीं बाहर जाओगे काम करने के लिए. आप ज़रूर पैसे या नेम फेम कमा के ही आओगे. अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि.
स्कॉर्पियंस के लिए वेरी गुड टाइम, क्रिएटिविटी हाइटेंड है, घर ठीक है, प्रोस्पेरिटी है, एनर्जी है, मनी है, सक्सेस है, एवरीथिंग इज देयर. अब आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया रिस्क लेना चाहते हो, पर रिस्क लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, कैलकुलेटिव रिस्क लेना और आगे बढ़ना. आप देखोगे कि आपको लगता था कि मैंने सक्सेस पाया, पर और भी थोड़ा सा काम करना है. इससे आपको खुशी भी होती है, बिकॉज यू फील वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी, और आप आगे और अपने आप को पुश और पैशनेटली पुश करना चाहते हो, विच इज़ अगेन लीडिंग टू यू टू ग्रेटर हाइट्स एंड मोर सक्सेस इन लाइफ. अभी हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनुराशि. धनुराशि वालों के लिए आपने जो मेहनत की है विद द गाइडेंस ऑफ अ सीनियर, आपको असिस्टेंस मिला है और आपको उसकी उसके लिए ग्रोथ भी मिल रहा है, प्रमोशंस और इंसेंटिव्स, अचीवमेंट, सब कुछ, लाइक बी इट इन लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. अगेन आप बहुत सतर्क होकर देख रहे हो कि आगे पीछे कौन मुझे क्या बात कर रहा है, क्या नहीं, विच इज़ गुड. एक तरह में वो होना चाहिए, बट डोंट बिकम टू एक्सट्रीम, बिकॉज कभी हम ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं तो ज़्यादा हमारा दिमाग चलता है, ज़्यादा हम नेगेटिव थिंकिंग पे जाते हैं और वो सोचने लगते हैं जो एक्चुअली रियलिटी है ही नहीं. तो सतर्क होना अच्छी बात है, बट बैलेंस इट आउट. एंड अगेन आपको कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती टू द न्यूज़, अगर आप यू आर वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फॉर मैरिज प्रपोजल या प्रेगनेंसी या प्रमोशन, वो आपके तरफ ही है, एंड इट इज़ फॉर यू, सो ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट. मैम देखिए, आपने जैसे राशि के बारे में बताया, बहुत सारी राशि के बारे में बताया, हर इंसान जो होता है अपनी लाइफ के बारे में अच्छा ही सोचता है, और उसके जो उपाय आप बताती हैं ना, बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं ना, लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसमें बहुत ये माना जाता है कि जो आपके कमेंट्स हैं उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ आपकी राय से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन अभी हमारे जो दर्शक हैं इंतज़ार कर रहे हैं गाइडेंस ऑफ द वीक का. यस, हम गाइडेंस ऑफ अ वीक देखेंगे. इसमें आया है सक्सेस, ये आया ही है सक्सेस. दैट मीन्स आप लोग सब पूरे अकॉर्स द राशि 12 जो भी काम करोगे सक्सेस होगा. तो सक्सेस पे गोल करो. जो लिमिटेशंस आती है, जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशंस, काम बनते बनते नहीं हो रहा, उस वो भी सक्सेसफुल है. ऐसे मान के चलो, बोलते रहो कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या होगा, और आगे आप बढ़ते जाओ तो सक्सेस आपके हाथ में है. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया. टेरोमिस्टिक प्रोग्राम, जी हाँ बिल्कुल, आप ये प्रोग्राम देख रहे थे, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, वाकई इससे अच्छा हो क्या सकता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे हम सब के साथ गीतिका मैम जुड़ी हैं. और देखिए, आपके साथ गीतिका मैम हैं, हम भी बीच में हैं, और जब सब साथ लेकर पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं ना, तो वो काम ज़रूर पूरा होता है. हम चाहते हैं कि आपकी ढेर सारी जो मुश्किलें हैं ना, बिल्कुल एक पल में छुमंतर हो जाए, और आपको वो सब मिल जाए जिसकी आप उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं. और गीतिका मैम से जब हम जुड़ते हैं ना, तो अपने आप पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है. आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आप सबका. तो इसे ढेर सारा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा. अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार. नमस्ते.